आसरा ग्रुप की तरफ से पूरा ग्रुप आया हुआ है एसएसपी सर के पास, और जो हमारे एनजीओ में जुड़ी हुई है अर्चना साहू, उनके पति के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है छेड़खानी का, तो उसकी स्पष्ट जांच हो इसके लिए हम लोग आए हैं सर के पास, क्योंकि सर के बारे में सुना हुआ है कि वो अच्छी तरीके से कार्रवाई करवाते हैं, तो हम लोगों का यही उनसे निवेदन है कि इसके लिए भी सही कार्रवाई हो, जो दोषी पाया जाए, अगर नीरज साहू दोषी है तो उनको सजा दी जाए, और अगर नहीं है तो जिसने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाया है उनको सजा दी जाए, तो बस यही हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है या एसएसपी सर के पास। आप लोग इससे पहले थाने आने नहीं गए क्या? नहीं सर, इससे पहले थाने नहीं गए, क्योंकि उनके साथ भी नीरज साहू उनकी फैमिली के साथ भी मारपीट की गई है, जो उनकी वाइफ है अर्चना साहू, उन्हें काफ़ी चोट आई है, उनको जीनों पर से पटका गया है, काफ़ी चोट उनको आई हुई है, इसीलिए वो आज हमारे साथ यहाँ खड़े हुए हैं, और वो गई थी कोतवाली, वहाँ पे उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई है, और दूसरा जो पक्ष है उसकी तुरंत ही छेड़खानी की रिपोर्ट लिखी गई है। अब आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं सर कि सही कार्रवाई की जाए, दोषी जो है उसको सजा मिले, ना कि जिसने दोष नहीं किया, जिसके साथ मारपीट हुई है वो सजा भुगते,